नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम शशांक पांडे है। अग्निपथ के विरोध में आज बिहार बंद का आयोजन किया गया है। ऐसे में सभी पार्टियों का समर्थन मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भाजपा कार्यालय और भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं उपद्रवी, उसको देखते हुए भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CRPF के जवान उतार दिए गए हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं, लगभग 50 की संख्या में CRPF के जवान उतारे गए हैं प्रदेश कार्यालय में। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, 8 बीरचंद पटेल में स्थित है। और यहाँ पर इस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कार्यालय बंद है पूरी तरीके से, किसी भी नेता का यहाँ पर आवागमन भी नहीं हो रहा है, लोगों को अंदर जाना बंद मना किया गया है। और अंदर की तस्वीर देखिए, कितना शांतिपूर्ण तस्वीर है। और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, CRPF के जवान उतारे गए हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं, और सभी जवान जो हैं वो तैनात हैं। सभी को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जवान आप देखिए किस तरीके से जवान यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा नेताओं और भाजपा के जिला कार्यालय पर हमले हो रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ, उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है प्रदेश कार्यालय की। और यहाँ पर CRPF के जवान, बिहार पुलिस के जवान मौजूद हैं और सख्त निर्देश है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी अंदर जाने से मना कर दिया गया है। सेना बल यहाँ पर तैनात है, लगभग सैकड़ों सेना बल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। देखिए, महिला पुलिस भी यहाँ पर है, पुरुष जो जवान है वो भी यहाँ पर हैं। CRPF के जवान आए हुए हैं यहाँ पर, गया से CRPF जवान को बुलाया गया है, लगभग 50 की संख्या पर CRPF के जवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा में तैनात हैं CRPF के जवान। चप्पे चप्पे पर CRPF के जवान खड़े हुए हैं। अब देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तैनात हैं CRPF के जवान, ड्यूटी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो। और उसके बाद बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार गश्ती कर रहे हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर ना पहुँचे। जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ, भाजपा विधायक विनय बिहारी के ऊपर हमला हुआ, भाजपा की मंत्री है उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हुआ, और भाजपा के जितने भी जिला कार्यालय हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया, उस सभी चीज़ों को देखते हुए भाजपा के प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर पुलिस बल तैनात है ताकि कोई असामाजिक तत्व आकर कार्यालय में तोड़फोड़ ना करे। यहाँ पर कार्यालय के अंदर ना कार्यकर्ता मौजूद हैं, ना कोई प्रवक्ता, ना कोई नेता, सभी लोग अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं, ताकि जिस तरीके से हमला हो रहा है, भाजपा के नेताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है या फिर निशाना बनाया जा रहा है, इसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।